हम जवान हैं, अपनी जान हजार बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जवान तबाही मचा रहा है, बिल्कुल तबाही मचा रहा है। जवान ने कल भी तबाही मचाई थी, जवान आज भी तबाही मचा रहा है। मतलब हाउसफुल सोज ऐसे चल रहे हैं जैसे देखा ही नहीं था। बाय गॉड, गदर 2 के टाइम पे लग रहा था कि इससे ज़्यादा हाउसफुल सोज अब कैसे चल पाएंगे, यहाँ चल रहे हैं, जवान के टाइम चल रहे हैं। मतलब एक बार के लिए देखने को लग रहा है कि थिएटर्स में क्रैकिंग्स ना आ जाए कहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है। अंदर भी भीड़, बाहर भी भीड़, लगातार क्राउड चल रहा है। तो आज बात करेंगे टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, किसकी, फर्स्ट डे कलेक्शन की। पहले दिन में कितनी तबाही मचाई है इसने, अभी पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है, अपडेटेड डेटा आ चुका है, वो भी 11 बजे तक का। कल 7 सितंबर 11 बजे तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डेटा आ चुका है कि डे वन में कितनी कमाई करी है इसने। अभी भी स्टिल एक घंटे का डेटा बाकी है, तो 12 बजे तक का फुल डे का अगर आंकड़ा आ जाएगा तो फिर एक बार वीडियो बनाएंगे और अपडेटेड आंकड़े को बताएंगे। लेकिन 11 बजे तक ही इसने इतनी तबाही मचा दी है, इतना ज़्यादा कलेक्शन किया है। मतलब बिगेस्ट ओपनर इसी में ही हो चुकी है, बिगेस्ट ग्रॉसर इसी में हो चुकी है। बॉलीवुड की नंबर वन मूवी बन चुकी है, हिस्ट्री में बॉलीवुड की नंबर वन मूवी जवान अभी तक बन चुकी है, बिगेस्ट ओपनर के मामले में और बिगेस्ट ग्रॉसर के मामले में। मतलब पूरे दिन क्या तबाही मचाई है इसने, एडवांस कलेक्शन में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, उसके बाद ओवरसीज में, फिर टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डे वन का कितना आंकड़ा रहा, कैसा रहा, उसमें बात करेंगे। हिंदी से कितनी कमाई करी है उसमें बात करेंगे, तमिल से कितनी कमाई करी है उसमें बात करेंगे, तेलुगु से कितना कमाया है फिर उसमें बात करेंगे, उसके बाद आईमैक्स से भी कितनी कमाई करी है वो भी बात करेंगे, नेशनल चेन्स में क्या रुझान रहा एडवांस बुकिंग के मामले में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, सब पर चर्चा होगी। कौन सी बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है अपने डे वन में ही, सारे डेटा मेरे पास है। एक एक करके सभी चीजों पर बात होगी कि टोटल डे वन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा, टोटल डे वन का क्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, यह नोट है आपके लिए कि यह 7 सितंबर कल की बात चल रही है, जहां 11 बजे तक के अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का यह डेटा है। पहले बात करेंगे टोटल एडवांस बुकिंग की नेशनल चेन्स में कि कितनी हुई थी, तो जिसमें PVR आईनेक्स को मिलाकर एडवांस कलेक्शन, एडवांस बुकिंग कलेक्शन 23.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, सिनेपॉलिस से 5.9 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो टोटल इन तीनों को मिलाकर PVR, सिनेपॉलिस और आईनेक्स को मिलाकर 29.5 करोड़ का अराउंड आंकड़ा पहुंचता है एडवांस कलेक्शन से नेशनल चेन्स में। तो यहां पठान, KGF 2 और वॉर तीनों को खदेड़ दिया है, जो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर थी। और पहले नंबर पर तो बाहुबली 2 है, स्टिल है, इसे कोई अभी तक तोड़ नहीं पाया और मुझे लग रहा है कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन अब जवान सेकंड नंबर पर आ चुकी है, क्योंकि पठान की थी डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 27 करोड़ की, KGF 2 की थी 22 करोड़ की और वॉर मूवी की थी 20 करोड़ के आसपास। तो अब जवान ने सबको पीछे कर दिया है और 29.5 करोड़ का होल्ड करके बैठी है अपने डे वन पे रात 11 बजे तक। अभी एक घंटे की बुकिंग और बाकी है, वो आंकड़ा आ जाएगा तो अराउंड मैं मान के चल रहा हूं 32 से 33 करोड़ का आंकड़ा जवान फर्स्ट डे में नेशनल चेन्स पर होल्ड करके बैठ जाएगी। वहीं अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं, मतलब फील्ड में क्या धमाका मचाया है मूवी ने। तो कैसी ऑक्यूपेंसी रेट रही है, मॉर्निंग से ही 45% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ हाउसफुल शो चल रहे थे, उसके बाद आफ्टरनून में ये और बढ़ा, आंकड़ा और बढ़ा, 55% की ऑक्यूपेंसी रेट हो गई, फिर इवनिंग में 10% और ग्रोथ कर गया, 65% की ऑक्यूपेंसी रेट हो गई, उसका नाइट में तो मूवी 70% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ फुल हाउसफुल शो चल रहे थे। मतलब टिकट यहां मिलने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी, जो बाहर खड़ा था वो खड़ा ही रह गया और वापस आ गया मुंह लटकाए। जी हां, सही सुना आपने, 70% की ऑक्यूपेंसी रेट के साथ धमाका मचाया है नाइट में मूवी ने अपने डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। तो इन सब रुझान के बाद हिंदी से टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का कितना आया, 66 करोड़ इन हिंदी डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिर बोल रहा हूँ, 66 करोड़ का कलेक्शन आया है रात के 11 बजे तक अपने फर्स्ट डे में जवान मूवी का। इसी के साथ तमिल से 6 करोड़ का आया, तेलुगु से 5 करोड़ का। तो टोटल इन तीनों को मिला के, तमिल, तेलुगु और हिंदी को मिला के 77 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है डे वन का 11 बजे तक का, 7 सितंबर का। और ये अभी भी फुल डे की नहीं आई है, जी हाँ, 12 बजे तक भी अपडेटेड लिस्ट आएगी तो फिर बताएंगे कि आंकड़ा कैसा रहा। तो अभी ऑफिशियली डे वन का बॉक्स ऑफिस में भी हो सकता है,
मे बी हो सकता है 82-85 करोड़ के आसपास हो जाए एक घंटे में, और जो बुकिंग बची है 11 से 12 बजे के बीच में, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 82-85 करोड़ के आसपास ये पहुँच जाएगा नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 77 करोड़ ही मान के चल रहे क्योंकि 11 बजे तक यही आया है। इसके बाद ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 11 बजे तक का अराउंड 93-95 करोड़ के आसपास है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ मान के चल रहे हैं या बहुत लोगों ने ये रिवील भी कर दिया है कि 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है जवान। देखो मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ क्रॉस अगर ये कर जाती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि बॉलीवुड की हिस्ट्री की नंबर वन मूवी होगी जो डे वन पर 100 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करेगी। क्योंकि अभी तक सिर्फ साउथ की मूवी ऐसा करते नजर आ रही थी जो 100 करोड़ के ऊपर जा रही थी, तो हम चाहते हैं कि हिंदी से भी कोई मूवी 100 करोड़ के ऊपर जाए डे वन पर क्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले, इंडिया से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में डे वन पर 100 करोड़ के ऊपर जाए। लेकिन अभी तक मैं बताऊं तो बाहुबली 2 ने फर्स्ट टाइम इंडिया से 100 करोड़ का क्रॉस किया था, उसके बाद KGF 2 ने फिर 100 करोड़ का क्रॉस किया था, फिर RRR ने भी 100 करोड़ क्रॉस किया था। तो तीनों साउथ की फिल्में हैं, पैन इंडिया मूवी हैं, उसके बाद किसी ने भी नहीं करा और बॉलीवुड में तो किसी ने करा ही नहीं है। तो मे बी जवान के पास वो पोटेंशियल है, तो टोटल 12 बजे तक की अगर अपडेटेड कलेक्शन आएगा तो सबसे पहले मैं जरूर बताऊंगा और मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 करोड़ क्रॉस कर जाएगी मूवी। नाउ अब चलते हैं ओवरसीज पर। पहले बात करेंगे एडवांस बुकिंग कलेक्शन में क्या रुझान रहा है। तो USA प्लस कैनेडा को मिलाकर 7.70 लाख $ का कलेक्शन किया था, UK से 2.53 लाख $ का कलेक्शन किया, ऑस्ट्रेलिया से हुई थी 2.45 लाख $ का कलेक्शन, न्यूजीलैंड से 45,000 $ का कलेक्शन हुआ, पूरा गल्फ कंट्रीज़ को मिला के ओमान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, उसका UAE, इन सबको मिलाकर 4.25 लाख $ का कलेक्शन किया एडवांस से, ये एडवांस बुकिंग की बात चल रही है। सिंगापुर प्लस मलेशिया से मिलाकर 60,000 $ कलेक्शन किया, उसके बाद श्रीलंका से 40,000 $ का कलेक्शन हुआ था। ये था सारा सिनेरियो, सारा डेटा जवान के डे वन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन का। अब चलते हैं ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कि डे वन पर कितना ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो पहले USA का डेटा लेंगे, वो भी सिर्फ 713 लोकेशन का डेटा होगा क्योंकि अभी बाकी के लोकेशंस का डेटा अभी आया नहीं है, क्योंकि एक दिन लेट ही रहता है ओवरसीज़ का जो कलेक्शन का डेटा रहता है वो एक दिन लेट रहता है, इतने ज़्यादा सोर्सेस स्ट्रांगली डेटा प्रोवाइड कर नहीं पाते हैं। तो और ये भी फुल डे का डेटा नहीं है, और USA में लगभग रात के 8 बजे तक का डेटा है ये भी। जी हाँ दोस्तों, USA से डे वन पर $1.27 मिलियन $ का कलेक्शन करा है। अभी जब फुल डे का अपडेटेड आ जाएगा वो भी शेयर करूँगा। लेकिन तो यहाँ पठान से थोड़ा सा आंकड़ा नीचे है, लगभग थोड़ा सा आंकड़ा नीचे है, लेकिन जब फुल डे का आएगा USA का तो USA में ये बीट डाउन कर देगी पठान को। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया से 4 लाख ऑस्ट्रेलियन $ का कलेक्शन किया है मूवी ने। इसी के साथ UK में भी जबरदस्त कलेक्शन करा है, वहाँ से भी ऑफिशियली डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया नहीं है, मतलब इतने अच्छे से नहीं आया है, फ्लेक्सिबल आंकड़ा है तो कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ। इसी के साथ और भी कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इन सब जगह से भी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन जवान ने पठान का डे वन का ओवरसीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड 37 करोड़ को बीट डाउन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अराउंड 40-42 करोड़ के आसपास तक अर्ली एस्टिमेट्स में जवान ओवरसीज से डे वन में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुका है। अभी फुल डे का अपडेटेड आंकड़ा आएगा तो मैं मान के चल रहा हूँ 45 करोड़ तो आराम से क्रॉस कर ही जाएगा जवान सिर्फ ओवरसीज से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अपने डे वन पर। मेरे ना दिल से आवाज़ आ रही है कि यार अंदर से मैं चाह रहा हूँ कि जवान डे वन पर ओवरसीज से, सिर्फ ओवरसीज से 50 करोड़ क्रॉस कर जाए यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपनी हिंदी मूवी डे वन से 50 करोड़ क्रॉस करके जाए। बिल्कुल, तो आपका क्या कहना है कि डे वन में जवान ओवरसीज से 50 करोड़ क्रॉस कर पाएगा या नहीं, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। इसी के साथ डे वन की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो अब तो जो इस डेटा से मोटा मोटा पता लग रहा है अराउंड 137 करोड़ टू 140 करोड़ के आसपास होल्ड करते दिख रही है जवान मूवी अपने डे वन पर। लेकिन बहुत से लोगों का स्टिल ये कहना है कि 150 करोड़ क्रॉस आंकड़ा हो चुका है, लेकिन बाय गॉड मैं खुद दिल से चाहता हूं कि मूवी 150 करोड़ क्रॉस कर जाए। आफ्टरऑल हमारे भारत की हिंदी मूवी इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी तो ये बेस्ट मोमेंट होगा एवरी इंडियन के लिए, मैं मानता हूं। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या जवान 150 करोड़ क्रॉस करने में सफल होगी या नहीं अपने डे वन पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। दूसरा, मूवी अगर आप लोगों ने भी देख ली है तो मूवी आपको कैसे लगी, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।